गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर और हो चुकी है शाम। मैं जा रहा हूँ उल्लासनगर गुरुद्वारे में, जो कि है सचखंड के नाम से। तो चलो चलते हैं और वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे और आगे जो है जैसा भी अपडेट होगा आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए और ये उठा लिया बैग अपना। फ्रेंड्स, आ चुका हूँ यहाँ पे मैं सचखंड गुरुद्वारा, जो कि है उल्लासनगर में। और आप पीछे देख सकते हैं गुरुद्वारा, यहाँ पर किसकी शादी हो रही है, तभी वो लोग बाहर निकले हैं। तो चलो ठीक है, मैं जाता हूँ अंदर और आपको भी करवाते हैं दर्शन। चलिए, ये देख लीजिए, ये है गुरुद्वारा और अब हम जाएंगे अंदर। चलिए, तो फ्रेंड ये है गुरुद्वारा सचखंड और ये है उल्लासनगर में, आप देख सकते हो। तो चलिए अब फिलहाल हम चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, बन गया है मंदिर गुरुद्वारा साहब। यहाँ से चलते ध्यान दीजिए, हमें आप दो जगह दर्शन कराते हैं और ये है दो साहबजादे का, आप भी कर लीजिए दर्शन। तो चलते हैं ऊपर फाइनली। ये लिखा हुआ नो कैप्स नो शॉट। तो फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए दर्शन, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुद्वारा। बहुत अभी कह देते हैं संगत अभी आई नहीं है शायद, और कीर्तन वगैरह भी होगा बाद में, मैंने उनसे पूछा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब वो बता रहे हैं कि शाम सॉरी दोपहर को यहाँ पे लंगर होता है। वो जो भाई जी हैं तो उन्होंने मेरे फोटो खींच के मैंने उनको बोला था, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और बट वो ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने उनसे पूछा था सोबर वाला भी द्वारा कहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर नहीं है वहाँ पे नांदेड़ में, बट वो अजय साहब की बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत दूर है यहाँ से। तो मतलब दिल्ली में तो बहुत सारे गुरुद्वारे आपको मंदिर वो सब बहुत मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इतना नहीं है। मतलब होंगे बहुत अंदर अंदर इलाके, जैसे यहाँ पर भी अजमेर से बहुत दूर है ये, मतलब आधे घंटे का रास्ता है। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठे थे, बट अच्छा लगा यहाँ पे। और हम जगह थे भाई जी के फोटो खींची, तो मैं बैठ के खिंचवा रहा था, कहते खड़े होकर भी खिंचवा लो। तो अच्छा लगता है ऐसे, कोई अगर खुद से आगे से ऐसे बोल देना, ये तो ऐसा होता है कि भाई खींचने के लिए क्या है, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो ये देखो अभी कोई आ रहे हैं यहाँ पे, और दरबार साहब में तो वो बोल रहे थे कि उनका कलर जैसे ब्लू ब्लू है, मतलब वो फ्लावर्स लगा रखे हैं और जो भी माला चढ़ा रखे हैं वो भी ब्लू, कहते हैं आपका आपको भी ब्लू डाला हुआ वहाँ। मैं दिखाता हूँ आपको सामने फ्रंट से दिखाता हूँ, ये देखो ब्लू कलर है ना, तो बहुत मैचिंग मैचिंग हो गया। चलो चलते हैं थोड़ा सा नीचे देख के आते हैं। वो पड़ा मेरा बैग। तो फ्रेंड ये है क्या कहते हैं इसे बोलते हैं वाक, मतलब जैसे वो पाठ करते हैं ना, पाठ करने के बाद जब जब लास्ट में समाप्ति होती है तो तब निकलता है ये ऐसे वाक। तो ये लिखा हुआ ऊपर पंजाबी में है, नीचे हिंदी में भी मीनिंग है इसमें लिखा हुआ है। चलिए, तो अब एक बार कर दीजिए दर्शन अच्छे से दोबारा, अब हम चलते हैं बाहर की। और ये है बाहर से आप देख सकते हैं, तो बस मुझे ये था कि वो फोटो वो खींचेंगे नहीं खींचेंगे, वो पता नहीं कि माइंड ना करे, तो बट उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसे भी तो बोलते थोड़े ना, क्योंकि ऐसे अपने धार्मिक स्थल वगैरह पे मतलब आप चाहे गुरुद्वारे में मंदिर जाओ या चर्च जाओ किसी को भी जाओ, तो फोटो वगैरह से अलाउ नहीं करते हैं। कई अब आप जैसे होते हैं चुपके से खींच लेते हैं, बट ठीक है क्या कर सकते हैं यार, अभी कभी कभी तो जाते हैं ना, इसलिए चलो ठीक है चलते हैं।
तो चलिए अब हम जा रहे हैं नीचे। तो फ्रेंड्स हो चुका है पाठ शुरू, तो चलो चलते हैं। ये भाई जी हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बैठ जाते जब मैं निकल रहा हूँ तो मैं क्या जाते जाते आपको एक बड़ी दर्शन करवा देता हूँ फिर से। और ये है सामने निशान साहब। चलिए तो अभी किसी की शादी हो रही थी यहाँ पे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम चौराहे पे इधर ठंडा बना हुआ है। ये देखिए ये सामने। तो ठीक है फ्रेंड्स मैंने कर लिए दर्शन और आपको भी करा दिए। आई होप आपने भी कर लिए होंगे। तो चलो ठीक है इस ब्लॉग का फिर मैं कहता हूँ यही एंड। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं तो आज दोबारा कवर करते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।